श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। नवरात्रि का प्रथम दिन और आज से 9 दिन मतलब 9 रात्रि लोग कोई ना कोई साधना शुरू करते हैं। 9 दिन में उस साधना में सफलता मिलती है, उसके फल की प्राप्ति होती है। इस बार की जो साधना है, मैंने पहले सोचा था कि माँ भगवती देवी दुर्गा की साधना आप लोगों को दूंगा, लेकिन जो नक्षत्रों की स्थिति हमने देखी उसके हिसाब से हमें लगता है कि आपको 10 महाविद्या में कमला, जो कि आगे चल के लक्ष्मी, जो श्रीम मंत्र की इष्टधात्री है, उनकी साधना आप लोगों को करनी चाहिए। इस नवरात्रि में अगर आप लक्ष्मी की साधना करेंगे तो आज तक आपने जितनी बार भी लक्ष्मी की साधना की होगी उससे ज़्यादा आपको फल मिलेगा। तो लक्ष्मी की साधना के लिए हम लोगों को क्या क्या सामग्री लगेगी या फिर क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी? सबसे पहले ध्यान आपका लगा रहे भगवती पे, इसलिए आप भगवती की एक तस्वीर या एक छोटी मूर्ति रखें। 99% जो सनातनी हिंदू हैं उनके घर में ये रहता है। भगवती को पंच पूजा से पूजा करना होता है तो उसके लिए धूप चंदन का, दीप घी का, नवेद मिठाइयों का, लाल पुष्प और कमल का पुष्प हो जाए तो ज़्यादा उत्तम, और साथ में गंध में रक्त चंदन, ये 5 चीज़ें अनिवार्य हैं। आप अगर लाल वस्त्र और लाल आसन रख सकते हैं तो ये सर्वोत्तम हो जाएगा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि लाल आसन के चक्कर में बहुत लोग आजकल जो फैंसी कॉटन का आसन होता है उसका प्रयोग करता है, उसका प्रयोग जो है वो वर्जित है। कॉटन पे बैठ के अगर आप साधना करते हैं सूत पर, तो आपको दरिद्रता की प्राप्ति होती है, ना कि लक्ष्मी की। तो मंत्र क्योंकि आगम का है, अघोर विधान का नहीं है, और शारदीय नवरात्रि में जब घर में हम पूजा करते हैं तो हम जो है दक्षिण तंत्र का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इस जाप में जो है विनियोग ऋषि न्यास कर्न्यास सारा होगा। सब मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले आप चाहे तो नॉर्थ या ईस्ट दिशा में बैठ जाएं, मुख करके बैठेंगे, या फिर जिस तरफ भी आपके पूजा का स्थान है वहाँ पर बैठेंगे। अगर आपके घर में पूजा का स्थान नहीं है, आप इसी साधना के लिए सब प्रयोजन कर रहे हैं, तो आपके पास एक लकड़ी की चौकी होनी चाहिए, उस पर लाल कपड़ा बिछा करके भगवती की स्थापना करेंगे, ठीक है। जाप स्फटिक की माला पे हो सकता है या फिर कमल गट्टे की माला पे हो सकता है। मंत्र जो है, ऐसे तो भगवती का बहुत सारा मंत्र है, जो अभी के लिए प्रयोगी मंत्र है वो 12 अक्षर का भगवती मंत्र है। क्या है मंत्र? मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौं जगत प्रसूतये नमः। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौम जगत प्रसूतये नमः। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौम जगत प्रसूतये नमः, ठीक है। ये मंत्र जो है ये शारदा तिलक के हिसाब से है, उसी के अनुरूप हमने आपको बताया, उसमें जो दिया गया है उसके हिसाब से आपको बताया है। तो हम पूजा की शुरुआत कैसे करेंगे? पहला पुष्प लेंगे, भगवती के विग्रह पर या तस्वीर पर रखेंगे और उसके बाद बोलेंगे भगवती देवी कमला इति आगच्छता इति तिष्ठता, ठीक है। उसके बाद चंदन लेंगे, गंधम समर्पयामि, उस पर छीटेंगे, ठीक है। फिर घी का दीपक लेंगे, उसमें अग्नि प्रज्वलित करेंगे। किस मंत्र से? आयतु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्रीश्च छंदांसाम माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। उसके बाद भगवती को हम लोग दीपक दिखाएंगे, दीपम दृश्यामि, फिर धूप जलाएंगे, धूप दिखाएंगे भगवती को, नवेद समर्पण करेंगे कि भगवती देवी कमला नैवेद्यम नैवेद्यामि, ठीक है। ये जब पंच पूजा हो जाएगा तो हाथ जोड़ करके योनि मुद्रा में भगवती को प्रणाम करेंगे। गोविंद वल्लभ देवी गंधर्व कुल पावनी गोलोक वासिनी माता सिरसा प्रणमाम्यहम। अच्छा, मैं मानता हूँ कि जो इस पूजा को करेंगे इससे पहले अपना शुद्धिकरण कर लेंगे, है ना। शुद्धिकरण
करके पृथ्वी का जो मंत्र आप लोगों को दिया है, पृथ्वी ते आधृता लोका देवी तम विष्णु आधृता तम मम धार्य च देवी पवित्र गुरु च आसनम, इस मंत्र का भी उच्चारण आसन को छू करके करेंगे, शिखा को छू लेंगे गायत्री मंत्र पढ़ के और गुरु पंक्ति को प्रणाम कर लेंगे। ठीक है, बाएं कान की ओर ओम गुरुभ्यो नमः, परम गुरुभ्यो नमः, परापर गुरुभ्यो नमः, परमेष्ट गुरुभ्यो नमः। बाएं कान की ओर जो है ओम श्री गणेशाय नमः, पृथ्वी को ओम श्री कुर्माय नमः, आकाश को ओम श्री अनंताय नमः, और सामने ओम पूज्य श्री कमला देवेभ्यो नमः। इसके बाद जाप की तैयारी, हाथ में जल लेंगे और विनियोग करेंगे। अस्य मंत्रस्य ब्रह्म ऋषि गायत्री छंद श्री जगन्ना माता महालक्ष्मी देवता श्री बीजम सर्वष्ट सिद्धये जपे विनियोग, और बोल के जल को गिरा देंगे। फिर ऋषि ऋषादि न्यास करेंगे। ओम ब्रह्म ऋषे नमः सिरसी, सिर का स्पर्श करेंगे। गायत्रीश्च छंदन से नमः मुखे, मुख का स्पर्श करेंगे। श्री जगन्ना माता महालक्ष्मी नमः हृदय, तो हृदय का स्पर्श करेंगे। इसमें हम दाहिने हाथ से बाएं की तरफ हृदय को स्पर्श करते हैं। ठीक है ना। श्रीम बीजम गुह्ये, तो जो टेल बोन है उसको हम लोग स्पर्श करते हैं। विनियोगाय नमः सर्वांगे, तो सर से लेकर के और पैर तक दोनों हाथों से अपने स्पर्श करेंगे। ठीक है, फिर करन्यास करेंगे हाथों का, जिसमें कि जब अंगूठे का न्यास करते हैं तो फिर अपने जो इंडेक्स फिंगर है उससे जो मूल है थम का उससे नीचे लेते हुए टिप तक उसको छूते हैं, बाकी उंगलियों को नीचे से ऊपर थम से मतलब अंगूठे से छूते हैं। तो क्या है न्यास? ओम ह्रीम तर्जनीभ्याम, ओम ऐम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम ह्रीम तर्जनीभ्याम नमः, ओम श्रीम मध्याभ्याम नमः, ओम क्लीम अनामिकाभ्याम नमः, ओम शौम कनिष्ठकाभ्याम नमः, ओम जगत प्रसूतये करतल कर पृष्ठ अभ्याम नमः। इसमें दोनों हाथों को एक दूसरे से परस्पर स्पर्श कराएंगे। ठीक है, इतना करने के बाद जो मंत्र है उसका पांच माला जाप करेंगे। ये 9 दिन का है तो 9 दिनों तक जो है 5 माला इस मंत्र का जाप करेंगे। और जो दशमी का दिन होगा, दशमी के दिन जो है आप इसका हवन करेंगे। इसके हवन में क्या क्या प्रयोग होता है? इसके हवन में जितना भी सुगंधित वस्तु है, ठीक है, जैसे जैसे हवन सामग्री जो बाजार में मिलती है कूटी हुई, वो तो मतलब क्वांटिटी के लिए हम लोग रखेंगे, लेकिन उसमें इलायची डालेंगे, ठीक है, उसमें हम जायफल डालेंगे, उसमें हम गुलाब के पत्ते डालेंगे, उसमें हम कमल गट्टे के दाने डालेंगे, ठीक है, उसमें हम थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएंगे, उसमें हम लोग गुलाब का इत्र मिलाएंगे, मतलब जितना सुगंधित हो ये हवन उतना अच्छा है। आम की लकड़ी पर हवन करेंगे, दशांश हवन करेंगे। दशांश हवन का मतलब है कि पूरा 5 माला का हवन होगा दशमी के दिन। इसमें तिथि का ध्यान रखेंगे कि दशमी शेष होने से पहले, खत्म होने से पहले इस जो ये साधना आप करेंगे इसका जो है दशांश हवन आप कर लेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि एक बार जब इस मंत्र को कर लेंगे तो हर रोज भगवती के 1 माला का जाप करना है। कोई बहुत बड़ा जाप है नहीं, 1 माला का अगर आप इसको जाप करते हैं रोज के दिन करते हैं तो 5 मिनट का आपका समय लगेगा। लक्ष्मी के जाप के साथ कोशिश करना चाहिए कि नरसिंह देवता का जाप ना हो इस मंत्र के साथ, इस विशेष मंत्र के साथ। ऐसे तो श्री लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः एक अलग मंत्र है, लेकिन इस जो 12 अक्षर का जो लक्ष्मी का मंत्र है इस मंत्र के साथ अगर कोई नरसिंह का जाप करते हैं तो दोनों पूजा को अलग अलग करेंगे, साथ में हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आने वाले दिनों में जो अंतिम 4 दिन बचेंगे उसके लिए मैं एक अलग मंत्र साधना भी दूंगा, तो अगर उसको भी आप करना चाहेंगे तो एक को सुबह रखिएगा, जैसे ये काली ये जो कमला की साधना है इसको सुबह करेंगे, और वो जो अंतिम 4 दिन का दुर्गा की साधना मैं दूंगा आपको वो रात्रि के काल में करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप सभी इस साधना को करें, बहुत धन का लाभ होगा, क्योंकि ये जो नवरात्रि है ये विशेष धन कारक सिद्धि को देने वाला, इसलिए धन की ही साधना मैं अपने दीक्षित शिष्यों को भी करा रहा हूँ, आप भी करें। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे नंबर 9431188585 में जुड़ सकते हैं। इसमें साधना का जो शुरुआती आयाम है यंत्र मंत्र तंत्र वो मैं आपको सिखाता हूँ, भैरव साधना सिखाता हूँ। मेरे आने वाले कार्यक्रम और लेखों को पढ़ने के लिए www.agurtantra से पर जाइए। डायरेक्ट बात करने के लिए आप फोन पे भी मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं व्हाट्सएप पर, या कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही, भगवान भैरव आपको अनंत धन का स्वामी बनाए, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश, आदेश।